रायबरेली समाचार चैनल, आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर, फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने जोनल स्पोर्ट में बाजी मारी। छात्रों ने बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता, छात्राओं ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। FGIIT के खिलाड़ियों ने स्टेट लेवल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कब्जा किया। रायबरेली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय जोनल खेल कूद प्रतियोगिता लखनऊ KSR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बख्शी का तालाब में 18 अक्टूबर से शुरू हुई। जोनल स्पोर्ट प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के करीब 36 से ज्यादा कॉलेज और 2000 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संस्थान के स्पोर्ट हेड सहायक प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि जोनल खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रा कोमल जायसवाल, प्रीति चौधरी, शिवानी सिंह, सुकृति यादव, ज्योति पाल, दीक्षा सिंह, समन, श्रेया, उमा सिंह, स्वाति यादव, अपराजिता, शाम्भवी ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। छात्र मोहम्मद इमरान ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। छात्र शिखर ने शॉटपुट में कांस्य पदक, बैडमिंटन डबल्स में छात्र कृष्णा शंकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह, सुयश मिश्रा, हरदेव सिंह ने रजत पदक जीता। जबकि टीम इवेंट में बास्केटबॉल गर्ल्स दीक्षा तिवारी, गुनगुन, शिवांगी, अरुषि, अंशिका, श्रुति तनिषा, वर्षा, तृप्ति, अनाम ने बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता। रिले रेस में अरुणेंद्र सिंह, मोहम्मद इमरान, अकरम जुनैद, ऋषभ वर्मा ने रजत पदक जीता। वहीं छात्रा वंशिका यादव, अपराजिता, संभावी, ज्योति पाल ने रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता। छात्रा कोमल जायसवाल ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। राज्य स्तर में संस्थान की छात्राओं ने श्रेया अग्रहरी, समन फातिमा, कोमल जायसवाल, प्रीति चौधरी, दीक्षा सिंह, ज्योति पाल, सुकृति यादव, शिवानी सिंह, स्वाति यादव, अपराजिता यादव, शाम्भवी ने कबड्डी में रजत पदक जीता। छात्रों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए FGIIT के निदेशक विनोद दोहरे ने सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र पर मेडल पहनाकर शुभकामनाएं और बधाई दी। कहा कि खेल हमारे जीवन में हर तरह से मानसिक एवं शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है। शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान व सभी अध्यापकों ने सभी छात्र व छात्राओं को बधाई दी। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। रायबरेली समाचार चैनल, आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर, फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने जोनल स्पोर्ट में बाजी मारी। छात्रों ने बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता, छात्राओं ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। FGIIT के खिलाड़ियों ने स्टेट लेवल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कब्जा किया। रायबरेली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय जोनल खेल कूद प्रतियोगिता लखनऊ KSR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बख्शी का तालाब में 18 अक्टूबर से शुरू हुई। जोनल स्पोर्ट प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के करीब 36 से ज्यादा कॉलेज और 2000 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जिसमें फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। संस्थान के स्पोर्ट हेड सहायक प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि जोनल खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रा कोमल जायसवाल, प्रीति चौधरी, शिवानी सिंह, सुकृति यादव, ज्योति पाल, दीक्षा सिंह, समन, श्रेया, उमा सिंह, स्वाति यादव, अपराजिता, शाम्भवी ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। छात्र मोहम्मद इमरान ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। छात्र शिखर ने शॉटपुट में कांस्य पदक, बैडमिंटन डबल्स में छात्र कृष्णा शंकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह, सुयश मिश्रा, अच्छा बेटा तेरी ये आप लोग कौन सा गेम खेलने गए थे, क्या रैंक आई है? मेरा नाम श्रेया अग्रहरी है। हम लोग कबड्डी की तरफ से गए थे SR इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहाँ हमारा मैच तीन टीमों के साथ हुआ। पहला मैच हाइजिया के साथ, दूसरा SR के साथ और फाइनल मैच हमारा फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर के साथ था, जिससे हम लोग जीत गए। यहाँ के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि गेम से बाहर आप लोग खेलने आते हैं, क्या तैयारी करके जाना चाहिए? हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेन सबसे यही है। लोग घबरा जाते हैं बच्चे पहले दूसरी टीम देख के। यानी आप लोग किसी से कम नहीं है? हम लोग बिल्कुल किसी से कम नहीं है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और साथ में प्रैक्टिस भी।
बच्चे बता दीजिए आप लोग कौन सा गेम खेलने गए थे, क्या रैंक आई आप लोग? मेरा नाम श्रुति सिंह है, मैं FGIT में फोर्थ ईयर में पढ़ने वाली छात्रा हूँ और बास्केटबॉल में मेरा हम लोग का गोल्ड मेडल हम लोग ने प्राप्त किया, जो पिछले 3 सालों से हम लोग लगातार गोल्ड ही जीतते आ रहे हैं। फिर ये SRM इंस्टीट्यूट में हुआ था, SRIG में, वहाँ पे 3 मैचेस हुए थे जिसमें तीनों को हम लोगों ने हरा के और फिर फर्स्ट प्रदर्शन पाया, गोल्ड मेडल। क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को जो आगे जो खेलने जाएंगे? बस मेहनत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, जिससे एक फ्रेश माइंड होता है हमारा, जिसकी वजह से। कैसा लगा आपको वहाँ पे खेल के, आगे जैसे और मौका मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल खेलना चाहेंगे, बहुत सारे टीम्स एक साथ आए थे, सबसे इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। एक तो जब हम लोग जीतते हैं 3 टीमों घर आके, जो भी बहुत अच्छी अच्छी टीम्स आती हैं प्रैक्टिस करके आती हैं, उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट आते हैं और पिछले 3 साल से आ रहे हैं हम लोग, तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर हम लोग स्टेट्स में भी गए थे, BBD में, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन गया था खेलने आपके साथ में? हमारी पूरी टीम गई थी। उस लोगों के नाम बता दी? अंशिका, शिवांगी, आरुषि, तनीषा, ये लोग गए थे, वर्षा,